हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग. अच्छा एंड यू ऑल आर वेलकम टू माय न्यू वीडियो. एज यू ऑल नो, मैं वैसे भी आज बहुत दिनों, नहीं नॉट दिनों, हफ्तों, सालों, बरसों, जन्मों बाद वीडियो डाल रही हूँ. अच्छा, मतलब हाँ, फेयरवेल वाली लास्ट व्लॉग डाली थी, बट वो एज सच व्लॉग, कंप्लीट व्लॉग नहीं था, वो बस डाल दिया था बना के दिखाने के लिए. ठीक है, हाँ मेरा भी फेयरवेल हुआ है, बस उसके बाद हाँ ये मेरी प्रॉपर जो वीडियो आ रही है ये आ रही है. एंड थंबनेल देख के तो समझ गए होंगे आज मैं क्या करने वाली हूँ. समझ गया. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. वैसे मैं क्या करने वाली हूँ, मैं कलर लेने जाऊँगी अभी. वैसे मैं सो के उठी, देखो हालत दिख रही होगी मेरी, तो मैं अभी सो के उठी हूँ. एंड मैंने सोचा मैं ये वीडियो बनाती हूँ, तो मैं अभी जाऊँगी कलर लेके आऊँगी, उसके बाद देखते हैं. मस्त प्लानिंग. बोला था कि मैं पहले कलर लेने जाऊंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एग्ज़ाम भी है तो पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं. तो मैंने सोचा है कि अभी मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ, फिर मैं पढ़ूंगी, उसके बाद फिर मैं वहाँ से डायरेक्ट कलर लेने जाऊंगी, फिर मैं शाम को कलर करूंगी. ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, इससे मेरी पढ़ाई भी हो जाएगी, मेरी कलरिंग भी हो जाएगी, सब हो जाएगा. सो यस, आई एम बैक. एंड वो मैं मतलब जाते हुए पार्ट लेना भूल गई थी. मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस. जब मैं कलर लेने जा रही थी, बट स्टिल एंड में मुझे याद आ गया था कि हाँ पार्ट भी शूट करना है. सो मैं लेके आई हूँ ये ब्लू कलर, एंड मैं इसको करूँगी. बट मेरे दिमाग में पता है बहुत वो चल रहा है कि मैं इसको ब्लीच के साथ करूँ, ब्लीच के साथ नहीं करूँ, मतलब समझ तो कुछ आ नहीं रहा. लेकिन मैंने डिसाइड करा है कि मैं इसको बिना ब्लीच के करूँगी, क्योंकि अगर मैंने इसको ब्लीच के साथ करा और मैं भूतिया बन गई तो वो ज़्यादा बुरा होगा. एक तो मेरे घर वाले बर्तन बजाते हैं यार, कोई बात नहीं, फोकस ऑन द वीडियो. सो मैं इसको बिना ब्लीच के साथ करूँगी. एंड जैसे कि मैंने टी शर्ट चेंज कर ली है, एक बेकार सी टी शर्ट पहन ली ताकि सड़े तो मेरी मम्मी कुछ बोलना. अब मैं सबसे पहले क्या करूँगी, मैं अपने बालों को कॉम करके इनको इक्वल इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लूँगी. पहले तो देखो ऐसे हैं बाल, कितने लंबे हैं, ज़्यादा भी नहीं, कुछ भी नहीं होने. अब देखो पिछली बार जो मैंने रेड कलर करा था, और जिसने वीडियो नहीं देखी है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, और मैंने रेड कलर करा था जो कि अब बिल्कुल नहीं बचा है, गोल्डन हो गया. वैसे ये तो दिख रहा है थोड़ा बहुत, हाँ थोड़ा बहुत गोल्डन गोल्डन दिख रहा है. ये वही रेड कलर था जो गोल्डन हो गया पिछली बार, मैंने होली के आसपास ही किया था कलर, और मैं आज फिर आ गई हूँ ये एक्सपेरिमेंट करने. मुझे एक चीज़ का डर है, मैं इस कलर को कर लूँगी फिर होली पे दूसरे कलर का ना बन जाए जैसे पिछली बार हुआ था. बट कोई बात नहीं, स्टिल मैं करूँगी तो हुई, क्योंकि बदतमीज तो मैं पहले से ही हूँ. मैं डिस्ट्रीब्यूट करके फिर आती हूँ. हाँ तो मैंने अभी ये बाल बिल्कुल दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर लिए हैं इक्वल इक्वल. अब मैं इन्हें चार पांच हिस्सों में और डिस्ट्रीब्यूट करूँगी. फर्स्ट लेट में डिस्ट्रीब्यूट देम. और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कितनी लेंथ में कलर करूँ, इतनी लेंथ में ज़्यादा नहीं हो जाएगा? बाय चांस बाल कटवाने पड़ गए, सड़ गए बाल, तो इतने बाल कटवा, नो 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 नो, कुछ क्या आती हूँ. फिर रबर बैंड्स लगा के यहाँ आऊँगी, फिर आपको पता भी चल जाएगा मैं कितनी लेंथ में कलर कर, अरे करने वाली हूँ. राइट, सो यस मैं आ गई, और मैं इतनी इतनी लेंथ में कलर करने वाली हूँ, और मैं इनको ऐसे चोटियाँ बनाऊंगी. तो मैं अभी बताऊँ मैं कैसे लगूँ, कमेंट जाऊँ. सबसे पहले तो सब छोड़ो, कमेंट वमेंट छोड़ो, पॉज वीडियो लाइक करो. पहले मैं ये कलाकृति कर रही हूँ अपने बाल के साथ आप लोगों के लिए, तो पहले जाके लाइक करो और सब्सक्राइब करो. हाँ तो मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ. यार मैं कैसी सी लग रही हूँ, चोटियों को बना, छोड़ो मेन मुद्दे पे आते कलर करते. तो मैं वही कलर लेके आई हूँ जो मैं पहले लेके आई थी. इसको खोलते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड अनबॉक्सिंग. तो इसमें वो निकलेगा डेवलपर, ब्लीच एंड कलर जो घर में निकलता है. तो यदि क्रीम बोल रही थी, डेवलपर निकलेगा, और ये है हमारा पाउडर जिसमें से हमको इन दोनों का कुछ काम नहीं है, क्योंकि मैंने बताया मैं ब्लीच नहीं करने वाली, आई एम गोना अप्लाई डायरेक्ट, सो आई विल नॉट यूज दिस. फेंक देते हैं इसको, तुम्हारा कुछ काम नहीं है, हम डायरेक्ट कलर करने वाले हैं. और कुछ तो निकलना चाहिए तो भाई, इतने पैसों में इतना कर देते हैं. हाँ बोला तो नहीं निकलेगा.
ये इन्होंने हमें दिया है कंडीशनर, दो कंडीशनर के पाउच दिए हैं, एक से नहीं लगा, मेरा काम नहीं चलेगा भाई, इतने वो लंबे बाल नहीं है मेरे, एक से हो जाएगा। और एक ये इन्होंने इतनी लंबी चिट्ठियाँ दी है कि इसको कैसे करना है, जिसका कोई यूज नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर कोई बंदा कलर कर रहा है तो उसने पहले 70 वीडियो देखी होगी, कोई ऐसी तो एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा अपने बालों में। मैं अभी 70 वीडियो देख के आई हूँ, देखते हैं क्या मिलेगा उन 70 वीडियो को देख के। ये है इसमें सबसे वाले ग्लव, इन्हें को लगाना पड़ेगा वरना मेरे सुंदर सुंदर नेल्स खराब हो जाएंगे। फिर तो अपनी 10 करोड़ की हीरे वाली अंगूठियाँ निकाल दूँ, ऐसा कुछ नहीं, मजाक कर रही थी। मुझे सस्ता वाला ब्रश भी दिया है, मेरी मम्मी अभी से कलर करा करेगी, क्योंकि मैं तो अपने हाथों का प्रयोग करने वाली हूँ विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस। तो बहुत ही मशक्कत के बाद मुझे पता चला है कि मैं जो बोल रही थी वो गलत था, खाली ये लगेगा मेरे बालों में, इसके साथ कुछ नहीं मिक्स करना है। मैं सोच रही हूँ आज जाहिर पना ना दिखाऊं, पर मान नहीं रहा, ये दिखाना पड़ेगा। ओ वाह यार, इसमें से क्या ब्लू कलर निकल रहा है, दिख रहा है थोड़ा, नहीं दिख रहा, छोड़ो जब खुल जाएगा तब दिखाऊंगी। लेट्स सी द ब्लू। ओ भाई साहब, मैं तो डर गई, कलर बहुत प्यारा है, बट आई लाइक इट, आई लाइक यू बेबी। ऐसा लग रहा है जैसे मम्मी कपड़ों के लिए नील नहीं घोलती, इसे कपड़े में मिलाया कि मेरी मम्मी खुश हो जाएगी। देखो मैं कोई ब्रश का यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं इसको डायरेक्ट अप्लाई करने वाली हूँ ऐसे। और डोंट नो इसके बाद इसमें ब्लू कलर आएगा मेरे बालों में या नहीं, बट आई कैन जस्ट फिर आती हूँ। अब तो मैं कैमरा बंद नहीं कर पाऊँगी, मैंने अपने हाथ चढ़ा लिए, बट मेरी एल्बो तो काम करती है। बालों पे एंड में इतना कलर लगा लिया ना कि मतलब जैसे मैंने ब्लीच नहीं करा, ये आनु है ना, ये मेरे से पक्का बैठेगी। जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना, इसमें एक चुल होती है कि हाँ बुआ वीडियो बनानी है, अब तो मुझे शोर मचाना है घर में, आतंकी तो मैं हूँ, मैं रावणों वाले अक्षर, ये है यहाँ से झांक रही है। आनु आप जाएंगे यहाँ से, नहीं तो ये आपके मुंह पर लगा दूंगी। तो हाँ मैं सोच रही हूँ इन पे फाइल पेपर लगाऊँ ना, लगा लेती हूँ, ज़्यादा जाहिल वाले काम जाएंगे, नहीं लगाऊंगी तो। अब मैं इन पे स्टार्ट करती हूँ फॉइल पेपर लगाना। यार पर फॉइल पेपर कैसे लगाऊँ, हाथों की हालत ये हटाए तो हाथ सड़ जाएंगे, नेल सड़ जाएंगे, ना आई कांट अफोर्ड इट। तो ऐसे ही सड़े हुए हाथों से फॉइल पेपर लगा लेते हैं। सॉरी मम्मी, मारना मत प्लीज, सड़ गया सारा। फाइल लेती हूँ एक बारी को, नेल से ना अफोर्ड कर सकती हूँ, मम्मी की गालियाँ नहीं कर सकती अफोर्ड। ये भी नहीं निकलना चाह रहा। फॉइल पेपर में मेरी मम्मी ना 10 दिन खाना पैक करती, मेरा लंच स्कूल का, अब तो स्कूल ही नहीं जाना पड़ता। कोई बात नहीं,
हाँ तो कैसी लग रही हूँ मैं, अब बताओ कैसी लग रही हूँ। ऐसे ऐसा लग रहा है यहाँ छः छः वेज रोल लटका दियो, बताओ किसे खाने आके खा लो। सॉरी फॉर दिस जोक, आई नो मैं बहुत बेकार जोक करती हूँ। अच्छा मैं तो आपको अपना सस्ता सेटअप दिखा दूँ, मैंने क्या कर रखा था। ये सारा सामान यहाँ रखा था, हाय ये यहाँ रखा हुआ था, एंड ये न्यूज़पेपर और सीजर रखे हुए, क्योंकि पहले मैंने नीचे से थोड़े से बाल काटे थे ताकि वो स्ट्रेट हो जाए। वैसे तो मेरे बाल थे ही स्ट्रेट, पर फिर भी थोड़े से। एंड ये वो जो इन्होंने चिट्ठी पत्र लिख रखी थी कि ऐसे ऐसे करना है, जिसको मैंने पढ़ लिया था। और ये 10 रुपये वाला ब्रश जो मैंने अपनी मम्मी के लिए बचा लिया है, सेव मनी, ये यूज़ करा था मैंने। देख लो अब बताओ गालियाँ पड़ेगी नहीं पड़ेगी। ओ भाई साहब, मैं इसे साफ करके फिर आती हूँ। हाँ सो मैंने अपने बाल बांधे ताकि कोई डरे ना, वैसे ऐसे भी डर जाएगा, लग तो बहुत बुरी हूँ। तो मैं आपको मिलवाती हूँ अपने घर की सबसे छोरी बेबी से। सी हाय, सी हाय, ऐसे मत देखो, आप ही हो। शी इज लाइक कहाँ ले आई मुझे। अरे से हाय कूचू कूचू, इसको हम प्यार से कूचू कूचू बुलाते हैं, से हाय। सो मैं इसको लेके जाती हूँ और फिर आधे घंटे बाद इसको वॉश करके मिलती हूँ। अब डायरेक्ट बाय कर दो कूचू कूचू, कूचू कूचू बाय कर दो, कूचू कूचू से हाय, से हाय, हाय तो कर दो, बाय नहीं करनी। जा रही हूँ मैं इसे लेके, शी इज़ नॉट इन अ मूड। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो मैंने जैसे उसमें कुछ ज्यादा सजा के बाल दिखा दिए हैं, बट जो रियलिटी है वो मैं बता देती हूँ। ज़्यादा कलर नहीं हुआ है, ये दिख रहा है बस। ये भी पता नहीं कैसे इसमें दिख रहा है वीडियो में, रियलिटी में ये भी नहीं दिख रहा है। जो मैंने ब्लीच ना करने का डिसीजन लिया था ना, दैट वाज नॉट बैड, आई कैन नॉट से कि वो बैड था, बट हाँ कम दिख रहा है, बट चलो चलता है, कोई बात नहीं। देखो जहाँ पे मेरा पहले गोल्डन था ना, ये वाला ज़्यादा ब्लू दिख रहा है, बट ये वाले नहीं दिख रहे, बट कोई बात नहीं, स्टिल इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल। सो अभी कमेंट करो कि मेरे बाल कैसे लग रहे हैं। वैसे तो मैं बता रही हूँ मुझे भी ठीक ठाक लग रहे हैं, नॉट सो गुड। रेड वाला ज़्यादा सही नहीं, ज़्यादा सही भी नहीं बोल सकते थे, क्योंकि मुझे ऐसे ही चाहिए था। लेकिन जो मेरी बहन है ना, उसको चाहिए था एकदम चटक नीला कलर, जो कि मैं नहीं चाहती थी, बट कोई बात नहीं, लाइट लाइट चाहिए था, लाइट लाइट हो गया। एंड तुम तो बताई दो कि मैं कैसे लग रही। सो प्लीज़ एट द लास्ट मैं यही बोलूँगी, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड बता देना नेक्स्ट कौन सा कलर करूँ मैं। बाय।